अमृतसर शहर को चुनावी रंग चढ़ चुका है। जगह जगह तमाम राजनीतिक दलों के पोस्टर लगे हुए हैं। इन राजनीतिक दलों के पोस्टर के बीच एक पोस्टर जो सबके ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, उस पर लिखा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये बताने की जरूरत नहीं कि ये पोस्टर किसके फायदे के लिए लगाया गया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमारे राम आ गए। जो राम को लाए हैं। इस पोस्टर को डॉक्टर राकेश शर्मा ने लगवाया है। शर्मा अमृतसर के चर्चित हनुमान मंदिर के प्रधान। इसके अलावा शर्मा और क्या है, आप खुद उनसे ही जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का तो हम कार्यकर्ता हैं, फिर भी पोस्ट में इस टाइम प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं। पिछले लगभग 30-40 साल से 7 बार मैं उपाध्यक्ष रहा जिले का, 3री बार मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं। रहा मैं अपने आप को कार्यकर्ता ही समझता हूं, क्यों हम थोड़ा धार्मिक कार्य क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। इस बार राम जन्मभूमि के मंदिर बनने के कारण आम लोगों में, सनातनियों में भी जोश है, इसलिए इस बार जाने में आनंद भी आ रहा है। नहीं तो आगे इलेक्शनों में जाके बातें ही सुनने को मिलती थी। इस बार आम पब्लिक में ना सनातनियों में जोश है, मैं कह ऐसा लग रहा है हमसे ज्यादा आम पब्लिक में जोश है। वो भी हमको आवाज दे के कहते हैं, नहीं यार इस बार मोदी को लाना बहुत जरूरी है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये एक नारा ना घर घर में चल गया। ये सड़कों पे मैं देख रहा हूँ अमृतसर में कई जगहों पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और निवेदक में डॉक्टर राकेश शर्मा प्रधान, बड़ा हनुमान मंदिर, दुर्गियाना तीर्थ। काफी है ना? बिल्कुल। मैं तो आपने ये पोस्टर पूरे शहर में लगवाए हैं, कितने पोस्टर लगवाए हैं? देखो कितने का, जहां जहां से डिमांड आती गई, पहले तो मेरा जितना सोचे था उतने लगा दिए, कुछ एरियों में डिमांड आई और छिपवा दिए। अभी गिनती जब कल तक बताऊंगा आपको, अभी तो चल रहा है, अभी तो 3-4 विधानसभा में लगे हैं। अच्छा। कुछ ये जहां से भी डिमांड आएगी भेजो, क्यों राम का नाम है। देखो राजनीति अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, ये आम सनातनी, ये जो पोस्टर है ना ये राजनीति से हटके, ये आम सनातनी की आवाज है। तो ये आप किसके लिए वोट मांग रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? राम जी को कौन लाया? भगवान को कौन ला सकता है? नहीं भगवान जी को नहीं, इस मंदिर की भावना, जो राम को, जो सार। देखो हमने 40-30 साल लोगों से बहुत कुछ सुना है, जब यहाँ से ना टोलियां निकलती थी ना, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, टिचकर भी होती थी, मजाक भी होते थे। अब जिसने राम को मंदिर भी बना दिया, डेट भी बना दी, मुहूर्त भी करा दिया, अब उसको तो सभी सनातनी लाएंगे। तो आपका इशारा मतलब बीजेपी के लिए वोट? बिल्कुल, बीजेपी का मतलब ही, बीजेपी का मतलब जो इस बार जिन्होंने मंदिर बनाया हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिन्होंने मंदिर बनाया उनके लिए। आपका इशारा किसके तरफ? हमारा था इस बार तो बीजेपी, मोदी जी ने बनाया, मोदी जी की तरफ। जैसा कि शर्मा ने बताया कि वो खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लगातार अमृतसर में पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये पोस्टर जिस पर लिखा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उन्होंने, जो अमृतसर के बीजेपी के कैंडिडेट हैं तरनजीत सिंह संधु, उनके कहने पर लगवाया है। तो क्या आपने इसके लिए परमिशन लिया प्रशासन से, ऐसे पोस्टर छपवाने के लिए? ऐसा मेरे, हम जब बैठे थे तो मेरे को प्रधान जी का फोन आया था कि कौन, संधु साहब। अच्छा। उन्होंने बोला पोस्टर छपाना, ये बोला आपकी तरह छपा दें लोगों में, मैं छपा दी जी, हमको कोई परवाह नहीं, क्यों हमारा जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये तो हमारा एक धार्मिक स्लोगन है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पोस्टर संधू जी ने बोला था छपाने के लिए? ऐसे हम एक मीटिंग कर रहे थे। हाँ। वो बोलते भी सभी अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं, आप ही धार्मिक क्षेत्र के हो आप ही, मैं कहा हमारा तो एक ही अच्छा लगता है हमको, जो राम को लाए हैं उनको ले, तो कहते छुपाने, मैं कहा जिससे आप अपने छुपा रहे हैं हमारे भी छुपा दो, हम पेमेंट कर देंगे। जब हम संधू का इंटरव्यू कर रहे थे तब हमने उनसे सवाल पूछा था कि अमृतसर शहर में जो ये पोस्टर लगा हुआ है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या इससे आपका फायदा हो रहा है? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए मैं ऐसी सेंसेशनलाइज नहीं करूंगा, लोगों ने यहाँ आसपास के घरों में लोगों ने लगाया हुआ है तो वो तो उनका राइट है भाई। और राम मंदिर एक भारत भर में इशू है, अमृतसर में भी है, लेकिन उसकी विरोधता क्यों? मतलब वो किसी के स्टमक पे तो नहीं लात मार रहा है? इस पोस्टर को लेकर अमृतसर की रहने वाली चारू खन्ना ने
इलेक्शन कमीशन में तकरीबन 20 शिकायत दी है। कुछ शिकायत में ये कहा गया कि हम पोस्टर को हटा रहे हैं, वहीं कुछ में कहा गया कि इस पोस्टर पे किसी पार्टी का सिंबल नहीं है, इसलिए जो आपकी शिकायत है उसे डिसमिस किया जा रहा है। मैंने ये देखा कि मेरे घर के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ था, एक तो वो तो मैंने निकाल दिया क्योंकि वो मेरे घर के बाहर था, लेकिन फिर मैंने देखा आगे पड़ोस में कितने कितने लगे हुए हैं, तो मैंने फर्स्ट कंप्लेंट करी जो मेरे घर के सामने वॉल पे है, और फिर वो मेरे को स्टेटस आया थोड़े घंटों बाद ही कि ये तो, एंड वो सी विजिल ऐप में मैंने दिया कि लोकेशन वगैरह देनी पड़ती है, फ़ोटो उस पर डालना पड़ता है, वो सब मैंने किया, तो फिर थोड़े घंटों बाद आ गया कि ये पोस्टर रिमूव हुआ हुआ है, लेकिन मेरे घर के बाहर है, तो मैंने जाके देखा कि वो पोस्टर तो अभी तक है। तो मैंने कल फिर उसकी कंप्लेंट तो करी, लेकिन फिर बाद में बीच में मैंने दोपहर में काफ़ी कंप्लेंट यहाँ पे आस पड़ोस में देखा, रेसकोर्स रोड में, ग्रीन एवेन्यू में, रंजीत एवेन्यू में, आई थिंक एक और नेबरहुड जिसका मैं नाम भूल रही हूँ, वो सब यहाँ पे काफ़ी थे। तो मैंने 20 कंप्लेंट्स करी हैं टोटल में, और लास्ट कंप्लेंट मैंने फिर आके यही वाला किया जो कल शाम तक यहाँ पे था। सेकेंड टाइम उन्होंने बोला नो सिंबल ऑफ एनी पोलिटिकल पार्टी इज शोन ऑन पिक्चर्स, हेंस द कंप्लेंट इज डिसमिस्ड बिरेफ्ट ऑफ मेरिट्स। तो इसमें तो ये तो निकालना हो, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है ना कि धर्म को यूज़ करना, आप अपने काम पे वोट लेना चाहिए, धर्म का क्या मतलब। इस पोस्टर के बारे में और जानकारी लेने के लिए हम अमृतसर के DC ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों ने कुछ भी ऑन रिकॉर्ड बताने से इनकार कर दिया, वो हमें इधर से उधर दौड़ाते रहे। वहीं यहां पर एक शिकायत सेल बना हुआ है, वहां जो कर्मचारी मौजूद थे हमने उनसे जब इसको लेकर पूछा तो उनका कहना था कि हमारे पास इस संबंध में शिकायत आई थी, हमने संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है, कुछ जगहों से ये पोस्टर हटाए गए हैं, लेकिन अभी भी अमृतसर शहर में आप जाएंगे तो जगह जगह पर ये पोस्टर वैसे ही मौजूद हैं। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी अपनी वेबसाइट पर दी है, जिसमें एक सवाल है क्या निर्वाचन प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग करने पर कोई प्रतिबंध है। इसके उत्तर में लिखा है जी हाँ, धार्मिक स्थान यथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मत प्राप्त करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे लिखा हुआ पोस्टर अमृतसर में ही पहली बार लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे पोस्टर लगातार लगाए जा रहे हैं। 25 मई को दिल्ली में मतदान था, उससे एक दिन पहले कई मतदान केंद्रों के आसपास ऐसे पोस्टर लगाए गए थे। यमुना बिहार में जब न्यूज लॉन्ड्री ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि BJP के बूथ अध्यक्ष ने ये पोस्टर लगवाए हैं। उन्होंने खुद ये बात न्यूज लॉन्ड्री के कैमरे पे स्वीकार की थी। 101% मैं खुद आपको हाथ से, मैं सूर्यकांत शर्मा आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने ये पोस्टर लगाया जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। मुझे नहीं लगता मैंने गलत लगाया, और जिन्हें लगता है उन्हें शायद राम के नाम से चिढ़ होगी। अमृतसर में BJP ने अपने एक वरिष्ठ नेता के जरिए पोस्टर लगवाए हैं। वो बार बार कहते हैं कि ये तो एक धार्मिक पोस्टर है, लेकिन इसका मकसद क्या है ये सबको पता है। अमृतसर से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। दिस इलेक्शन सीजन Your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.